हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। जालौर मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में एवं किसान आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को केशवन तिराहे से हरिदेव जोशी सर्कल होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली व पैदल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक वीरेंद्र जोशी ने बताया कि वन्य एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिशोई व जिला प्रभारी भूराराम सिरवे के नेतृत्व में जिले भर में आए सैकड़ों किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर रैली व पैदल मार्च कर जन आंदोलन के रूप में किया गया, जो केशवन तिराहे से हरिदेव जोशी सर्कल होते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर जनसभा के बाद संपन्न हुआ। इस दौरान नया बस स्टैंड व मानपुरा कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर नगर वासियों द्वारा किसानों पर पुष्प वर्षा की गई। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसान जन आंदोलन को संबोधित करते हुए वन्य एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिशोई ने बताया कि किसानों के विरोध लाए तीनों बिलों से है, जिससे किसान की कमर टूट जाएगी। आने वाले समय में किसान असहाय व मजबूर हो जाएगा। जब तक केंद्र सरकार ये बिल वापस नहीं लेती, तब तक कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस क्रम में जिला प्रभारी भूराराम सिरवी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में देश भर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, बार बार असफल वार्ता कर किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसी क्रम में लोकसभा प्रत्याशी रतन देवासी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित किसान मोर्चा आज कहीं भी किसानों के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ नहीं है। आज किसान उनकी भाषा समझ चुके हैं। इस किसान जन आंदोलन को पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष नयन सिंह राजपुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, सवाराम पटेल, ओम सिंह चांदाई व किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैतान सिंह धनानी ने संबोधित किया। किसान रैली में किसानों ने हाथों में तख्तियां व झंडे लेकर केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पैदल व ट्रैक्टर मार्च कर विरोध दर्ज किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक हीरालाल विशोई, जालौर नगर अध्यक्ष जुल्फिकर अली भुट्टो, ब्लॉक अध्यक्ष जमाना राम परिहार, ग्रेनाइट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बालू, पूर्व प्रधान भवरलाल मेघवाल, शमशेर अली, श्रवण सिंह दासपा, हीरालाल बोरा, सोहन सिंह देवड़ा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शोभा संदेशा, रमीला मेघवाल, रमेश सोलंकी, आम सिंह परिहार, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दवे, सुरेंद्र दवे, पार्षद मिशिमल गहलोत, लक्ष्मण सिंह सांकला, अब्दुल रजाक, बसंत कुमार, मनोनीत पार्षद भरत सुथार, नारायण सोलंकी, अनिल पंडित, कार्तिक दवे, प्रवीण बिशोई, रामाराम चौधरी, पुकराज माली, सुरेश मेघवाल, बंशी सोलंकी, नवीन सुथार, माधव सिंह बालावत, भगवत सिंह थलुंडा, सुष्मिता गर्ग, जुबेना मानो सहित सैकड़ों किसान व कांग्रेस जन उपस्थित रहे। देवासी ने कहा गया भाजपा का किसान मोर्चा। कलेक्टरेट के सामने संबोधन के दौरान पूर्व विधायक रतन देवासी ने कहा कि भाजपा सिर्फ नौटंकी करती है। आज किसान मुश्किल घड़ी में है, लेकिन आम किसानों को गुमराह करने वाला भाजपा का किसान मोर्चा कहाँ गया? प्रदेश में किसान के पक्ष में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रतिनिधि चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज किसानों को भी समझ में आ गया है कि भाजपा समर्थित किसान मोर्चा नाम का ही मोर्चा है। मुंह पर पट्टी और आंखें मूंद कर बैठे हैं। देश में किसान दुखी है। आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो गई, लेकिन इस केंद्र सरकार को अपने दो प्रमुख दो कारोबारी की चिंता है। ट्रैक्टर रैली में पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। जालौर मुख्यालय पर सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर पर बैठकर आए और किसान बिल का विरोध किया। इस दौरान जगह जगह शहर वासियों ने ट्रैक्टर रैली पर पुष्प वर्षा की और अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं में जोश था और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI समेत कई मोर्चे के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के जालौर से खास रिपोर्ट।